वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रन के यूट्यूब चैनल पे मैं आर पी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। गाइस हम ले रहे हैं KBS लेक्चर 1। हमने लिया पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या बनाने के मॉडल, प्रतिमान, सिद्धांत के साथ साथ पाठ्यचर्या की विशेषताएं, और अब हम उसका दूसरा पार्ट लेने जा रहे हैं लेक्चर का, अधिगम तथा अधिगमकर्ता। तो गाइस ध्यान रखिएगा, पहली बात तो आपको ये साफ कर दूँ, ये टिपिकल यूपी टेट या टिपिकल रट्टा मारने वाला सेक्शन नहीं होगा, या समझ पे आधारित लेक्चर होगा। हल्का सा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा प्रमुख अधिगम सिद्धांतों का, पर अभी बेसिक फोकस हमारा होगा अधिगम विशेषताएँ। अधिगम देखिएगा, सिंपल अधिगम जिसका अर्थ एक बार हिंदी में यूँ समझिए सीखना भी होता है हमारे कॉमन सेंस में। तो गाइस हम सब जानते हैं, हम रोज़ कुछ न कुछ सीख रहे हैं, पर वास्तव में एक बार अगर बात करें अधिगम क्या है, अगर इसकी बात करें तो गाइस यह बहुत ही सटीक शब्द है। किसी व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना ही क्या है अधिगम है। मतलब कहने का मतलब यह है गाइस कि अधिगम वो नहीं, जैसे आप कहने का वांछनीय का अर्थ क्या है गाइस, अब अगर आप किसी को हत्या करना सिखा रहे हो, सकारात्मक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, क्योंकि सकारात्मक में भी कुछ गलत है क्या। अगर एक आदमी को आप हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहे हो तो भाई वो एकदम कुशल हत्यारा बन गया, यह सकारात्मक परिवर्तन ही है, पर क्या समाज हत्यारे को देगा ट्रेनिंग, उत्तर है नहीं। इसलिए यह नहीं है क्या वांछनीय, इसलिए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना ही क्या है अधिगम है। और इसके बाद हम देखेंगे अधिगम की प्रमुख विधियां हैं। पहला खेल विधि, देखिएगा ये सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बोला जैसे खेलों में, मैंने आपको बताया था खेल क्यों प्रोवेल ने ढूंढी खेल विधि, उसने कहा खेल वो चीज़ सेकंडों में कर सकता है जो किताबें महीनों में नहीं कर सकती। जैसे हम एक नॉर्मल सा कबड्डी, ग्रामीण कबड्डी का खेल खेल के समूह भावना सीख लेते हैं, भाई टीम से ही आदमी जीतता है, अब यह सेकंडों में यही चीज़ किताब सिखाएगी, हमको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पर इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, हम समझ गए, हम सीख रहे हैं किसके द्वारा, खेल गतिविधि आधारित। कहने का अर्थ गाइस रट्टा मारना, किताब से ज्ञान ग्रहण करना सार्थक नहीं होता, इसलिए कहने का अर्थ क्या है, करके सीखने को ही क्या बोलते हैं, गतिविधि आधारित अधिगम। अनुबंधन विधि, सिंपल सी गाइस बात है, अगर आपको मैं थोड़ा साइकोलॉजी पे ले जाऊं, यह पावलोव से प्रेरित विधि है। यह क्या कहती है कि अगर आपको बच्चे को कुछ भी नया सिखाना है तो उससे जो पहले से जानता है उससे जोड़ के सिखाइए। जैसे याद करिए, कुत्ते को घंटी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर भोजन पे वो लार टपकाता था, भोजन से घंटी की आवाज़ को जोड़ दिया गया, अर्थात पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान जोड़ना। त्रुटि एवं प्रयास विधि, सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी इतना बड़ा महारथी नहीं है कि पहली ही बार में सीख ले। याद करिए आज भी, इवन टुडे, हम आप मैथ्स का सवाल लगाते हैं गलत हो जाता है, साइको का सवाल लगाते हैं गलत हो जाता है, कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कई बार ट्राई मारते हैं, अर्थात लोग गलतियां फिर से सुनेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है CTET UPTET और इवन KBS भारत के हर पेडागोजी के एग्जाम के लिए, गलतियाँ अधिगम का ही हिस्सा है, गलतियाँ कोई अभिशाप या क्राइम नहीं है, लोग शुरू में गलतियाँ करके सीखते, इसलिए इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, उस वर्ड में बहुत दम है गाइस, गलतियाँ अधिगम का भाग है। इसका ये मतलब है कि अधिगम के दौरान गलतियाँ होना लाजमी है, कई प्रकार के उत्तर आते हैं, गलतियाँ अधिगम का हिस्सा हैं, गलतियाँ अधिगम का भाग हैं, गलतियाँ अधिगम की खिड़कियाँ, मतलब आपको गलती को गलत बताने वाला ऑप्शन नहीं चुनना है, वही ऑप्शन चुनना है जिसमें गलती को पॉजिटिव बताया गया हो। सार्थक सीखना, सिंपल सी बात है, अगली विधि सार्थक विधि, कहने का अर्थ क्या गाइस कि वही सीखा जाए जो जीवन में कहीं ना कहीं क्या हो, काम में आए। रट कर सीखना सबसे खराब विधि, अगर आप रट्टा मार के सीख रहे हो, पांच लाइन का श्लोक याद करके आए हो, कह रहे हो मैं संस्कृत का प्रकांड ज्ञाता हूँ, ये नहीं माना जाए गाइस। अब देखिए, अब इस विधि को जरा देखिए, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि का मतलब क्या है गाइस कि कई बार जैसे बच्चे, उन्होंने मतलब जैसे गाइस क्या था, इस विधि को किसने दिया, आर्मस्ट्रांग ने, उन्होंने कहा कि बच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं करते बल्कि बच्चे की जिज्ञासा उसे छोटा खोजी, नन्हा वैज्ञानिक बना देती है, वे क्रिया प्रयोग से सीखते हैं, और इसी को हम कौन सी विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं। और अब चलें गाइस कुछ और विधियां हैं, इंद्रिय आधारित विधि। गाइस सब जानते हैं मोंटेसरी की यह प्रणाली, मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी, जो खुद रोम में, इटली का एक शहर है रोम, जहाँ से वो खुद मेडिसिन में PhD थी गाइस, आपको जानकर आश्चर्य होगा, रोम यूनिवर्सिटी की पहली
महिला थी जो मेडिकल में पीएचडी थी मेडिसिन साइंस में, उन्होंने कहा तीन बच्चे को आप बताओगे कोई चीज जो भूल जाएगा, बच्चे को गुलाब दिखा के बेटा गुलाब की खुशबू, उन्होंने कहा आप उसे सुघाओ, कहने का उन्होंने कहा तीन चार साल में ब्रेन ज्यादा परिपक्व तो नहीं होता पर इंद्रियां परिपक्व होती हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया कई लेक्चर आपने पीछे भी सुने होंगे, रसगुल्ले का स्वाद लिख कर नहीं बताया जा सकता, यह चख कर स्वादेंद्री से ही जाना जा सकता है। अगला है सूझ विधि, आप सभी जानते हैं यह विधि किसने दी है, यह विधि कोहलर ने दी है। सिंपल सी बात केवल इतनी है गाइज कि अचानक ही समस्या का समाधान ढूंढ लेना, इसी को हम अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। कहने का सिंपल मतलब गाइज ये है अंतर्दृष्टि, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप एक काम कर रहे हैं और आज आपको सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, अगर आप दिमाग पे जोर देते हो अचानक, जैसे एक बच्चा दरवाजे में बंद हो गया, खिड़की नहीं खोल पा रहा है, अचानक उसने खिड़की खोल दी या गेट खोल दिया, बाहर से किसी की मदद मांग ली, पहले उसको समझ में नहीं आया, अचानक इधर उधर खड़खड़ाया, खिड़की खुल गई, उसने मदद मांग ली, इसे हम कौन सी विधि कहेंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि विधि। या मम्मी ने मिठाई का डिब्बा अलमारी पर रखा है, बच्चा नहीं पा रहा है, अचानक कुर्सी और स्टूल देखता है और एक दूसरे पर रख के खा लेता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सूझ या अंतर्दृष्टि विधि, अनुभव आधारित विधि का। सिंपल सी बात है, हमारा अनुभव हमें सिखा देता है। जैसे एक आदमी बिना छतरी के बाहर जाता है और बारिश में भीग जाता है, अगले दिन उसका यह भीगने का अनुभव से छाता लेकर जाने के लिए सीखना सिखा देगा। तो यह गाइज हुआ कि उसने अनुभव से सीखा, यही है। और अधिगम एवं विकास, गाइज देखिए विकास में डेवलपमेंट और लर्निंग में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है और पॉजिटिव। कहने का अर्थ क्या है गाइज, जिन एरियाज में अधिगम का स्तर बहुत अच्छा है वहाँ पर लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। कहने का अर्थ क्या है गाइज, सिंपली बात आप जरा सोचिए, हमने उदाहरण में लिखा है पश्चिमी देशों को, आप देखिए ना, छोटा सा एक महाद्वीप है यूरोप, अब जरा सोचिए ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, मैं अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ, एक डेवलप्ड कंट्री है, पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, बहुत ही कम है, पर साइंस अधिगम का स्तर ऊँचा है इसलिए वो हमसे बेहतर है। अधिगम की विशेषताएं एक बार देखेंगे, अधिगम की प्रमुख विशेषताएं क्या है गाइज, तो एक बार देखेंगे अधिगम की प्रमुख विशेषताएं। पहला, सार्वभौमिक, दुनिया में चाहे चींटी हो, चाहे जानवर हो, पशु हो, मनुष्य हो, हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख रहा है, लर्निंग इज ऑलवेज यूनिवर्सल गाइज। अगला, आजीवन, हम हमेशा हमेशा कुछ न कुछ हम आप सीख रहे हैं, जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को हजारों बार पढ़ा चुका हूँ अब तक, फिर भी कुछ नया देने की कोशिश में लगा हूँ, अर्थात मैं कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला, अधिगम में स्थानांतरण, जैसे हमने एक जगह का अधिगम दूसरी जगह यूज किया, जैसे हमने साइकिल चलाया है, हम स्कूटर चलाते हैं तो हमें जान गए कि हैंडल का सिस्टम लगभग वही है, तो एक जगह साइकिल के हैंडल का अधिगम स्कूटर के हैंडल में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अगला क्या है, अनुभव का परिणाम, सिंपल जैसा मैंने बताया गाइज, अधिगम जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है हमारा अधिगम भी बढ़ता जाता है, कुछ समय के लिए स्थायी। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप अभी सीखो और अभी भूल जाओ, भूलने में भी कुछ समय रहता है, अधिगम कुछ समय तक स्टेबल बना रहता है। अगला, वास्तविक जीवन में सार्थक, अधिगम वही माना जाएगा, इसमें जॉन डीवी के सिद्धांत से पूरी तरह से एग्री हूँ, अधिगम उसे ही माना जाएगा जो वास्तविक जिंदगी में काम आए। और रटना, रट्टा मारना अधिगम नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, रट्टा मारना अधिगम नहीं है, खुद विशेषता में, इसीलिए अधिगम बहुआयामी होता है, एक ही प्रकार, भाई कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई तैरना सीख रहा है, मतलब अधिगम के कई चेहरे हैं और कई प्रकार का होता है अधिगम, आई मीन लर्निंग इज मल्टीडाइमेंशनल। और अब आएंगे गाइस अधिगम अभ्यास का परिणाम, आपने सुना ही होगा भाई, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जैसे गणित आप पढ़ते हो, अगर आप गणित के कितने भी बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हो, एक साल से गणित नहीं लगा रहे हो आप गणित भूल जाते हो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सवाल फार्मूले याद रहते हैं। अगला क्या है, अधिगमी में वांछनीय परिवर्तन लाता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिगम परिपक्वता का परिणाम है। सिंपल सी बात क्या है गाइज, जैसे जैसे आप, सिंपल सी बात है, चाहे आपने दसवीं में गोल्ड मेडल ही क्यों ना जीता हो, पर कक्षा एक में आप पाइथागोरस का प्रमेय नहीं पढ़ना, मतलब जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं हमारे अधिगम का लेवल भी
बढ़ता जाता है। और अब आएंगे गाइज अभिगम को प्रभावित करने वाले कारक, गाइज सी टेट, यूपी टेट, केबीएस सब जगह ये चैप्टर है। सिंपल सी बात गाइज, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला है, मैंने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा है, सी टेट का एक चैप्टर भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ फटाक से। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को सिलेबस में दो भागों में बांटा गया है, निजी कारक जो खुद विद्यार्थी के होते हैं, दूसरे बाह्य कारक जो उसे बाहर से प्रभावित करते हैं। जैसे आप जरा सोचिए, निजी कारक आयु, अब भाई बोला ना कि अब एक साल के एक दिन के बच्चे को पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ाओगे, न्यूटन का ग्रेविटेशनल पुल, तो वो थोड़ी समझ पाएगा, क्योंकि अभी इसके लायक हुई है नहीं उसकी आयु, और आयु उसका निजी मामला है। अगला लिंग, अब देखिए गाइस सिंपल सी बात क्या है, एक आदमी का जेंडर उसका अपना निजी मामला होता है, जेंडर ऐसे नहीं कि उसको आइडेंटिटी जेंडर चेंज कर दे। मानसिक दशा, अब देखिए गाइस सिंपल सी बात है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मेरा टारगेट फुल्ली आपको समझाना है। अभी मुझे एक बैड न्यूज मिल जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, पार चली जाए, मतलब कोई बुरी न्यूज मिल जाए, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए कि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब एक ही अधिगमी एक ही कक्षा में दो अलग अलग दिन दो अलग अलग मानसिक दशा में बैठता है। एक दिन जब उसको लगता है नहीं यार मुझे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे में प्रेरणा उच्च स्तर की होती है गाइज अधिगम बहुत, अगले दिन उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो भाई मानसिक दशा आपकी मैं कैसे जान सकता हूँ, अर्थात यह कैसा मामला है, निजी मामला। इसलिए अधिगम को प्रभावित करने वाला क्या है, निजी कारक, ग्रहण शक्ति, बुद्धि। देखिए गाइज कहा गया है कि मंद बुद्धि को आप 500 करोड़ डॉलर देकर भी कुछ करा दोगे वो लपेट देगा, लॉस करवा देगा, क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि नहीं कि इतने ऊंचे खाते निवेश को अरेंज कर सके। अब गाइस बुद्धि उधार तो ली नहीं जा सकती वरना कितना मजा आता, इसलिए बुद्धि एक कैसा कारक माना जाएगा। अधिगम भाई बुद्धि, भाई जैसा आपकी बुद्धि होगी वैसे ही तो करोगे अधिगम, इसलिए बुद्धि अधिगम को प्रभावित करने वाला कैसा कारक है, निजी कारक है। ग्रहण शक्ति, समझने की क्षमता, आपने खुद देखा होगा गाइस, एक टीचर अपनी पूरी मेहनत से एक क्लास को पढ़ाता है पर अलग अलग विद्यार्थी उसे अलग अलग समय में समझते हैं, कई तो कई बार में समझते हैं, अर्थात ग्रहण शक्ति दो लोगों में दुनिया में बराबर नहीं होती, अर्थात यह अधिगम को प्रभावित करने वाला कैसा कारक है, निजी कारक है। थकान, अब सिंपल सी बात है गाइस, जैसे थकान आपको लगती है और थकान जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे अधिगम कमजोर। अभी कहने करते हैं कि आप 500 सवाल गणित के लगा रहे हो, अब वो क्यों गिर रहे हो, अब भाई कोई जरूरी थोड़ी बगल वाला भी थका हो, भाई आपकी थकान दूसरे को लगे तब तो कितना मजा है यार, हमारी थकान हम दूसरे को बेच दे, लेकिन अधिगम भाई थकान हम शेयर नहीं कर सकते, अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाला निजी कारक है। पूर्व ज्ञान, किसी भी नवीन ज्ञान को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान से विद्यार्थी जोड़ता है, पर किसको कितना पूर्व ज्ञान है, क्या सबका पूर्व ज्ञान बराबर होता है, नहीं, अर्थात यह भी कैसा कारक है, निजी कारक। रुचि, सिंपल सी बात है गाइज, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी साइकोलॉजी में रुचि ही नहीं है, मैं कितना भी पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रुचि एक व्यक्ति का निजी मामला होता है। क्षमता, क्षमता वही बात है ना, अगर कोई आदमी कुपोषण का शिकार है, शरीर से कमजोर है, तो 12 घंटे मैथ्स नहीं लगा पाएगा, अर्थात यहाँ क्षमता एक निजी कारक है। अभ्यास, यहाँ देखेंगे अभ्यास, देखिए सिंपल सी बात है, मैंने कई बार इसी लेक्चर में बोला अधिगम अभ्यास का परिणाम होता है, पर अभ्यास करना ना करना आप पर निर्भर है, इसलिए यह कैसा कारक है, निजी कारक है। और अब आएंगे इस नीचे की तरफ और ये रहेगा बाह्य कारक। अब देखिएगा इस ध्यान से सुनेंगे, बाह्य कारक में पहला क्या है, विषय वस्तु का स्वरूप। कहने का गाइस मतलब सिंपल ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो विषय वस्तु, मैं कह रहा हूँ आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो गाइस जैसे आप विषय वस्तु का स्वरूप, आप बहुत ही बढ़िया पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बहुत बढ़िया पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पर अब अगला मैटर तो ये भी है गाइज कि अगर विषय वस्तु बहुत जटिल है, भाई मैं पढ़ा, मेरे बहुत मन है पढ़ने का, पर कक्षा एक में वह विषय वस्तु डाल दी है जो कक्षा 12 में होनी चाहिए, तो आदमी चाह रहा है, निजी कारक फेवर में है, प्रेरित है, रुचि भी है, पर इतना टफ है कि पढ़ नहीं पा रहा है, हाँ विषय वस्तु अधिगम को प्रभावित कर रही है, जबकि निजी कारक फेवर में है, इसलिए विषय वस्तु को कैसा कारक मानेंगे, वाह्य कारक मानेंगे। अगला क्या है, शिक्षण विधि। अब जरा गाइस सोचिए, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, मैं दोनों आँखों से अंधा हूँ, अब आपके पास ब्रेल लिपि नहीं है, आप मुझे पढ़ा नहीं पाओगे, अब यहाँ मेरा निजी कारक तो फुल्ली मेरे को रुचि नहीं है, मुझे मैथ पढ़ना, अब आपके पास ब्रेल लिपि नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यह निजी कारक फेवर में होते हुए ही खराब शिक्षण विधि का परिणाम है जो बाधा उत्पन्न हो रही गाइज, और यह कैसा कारक कहलाएगा, वाह्य कारक कहलाएगा। आर्थिक दशा गाइज बताने की कोई जरूरत नहीं है, भारत
में बहुत सारे परिवारों के बच्चे गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते, यहाँ अधिगम को कौन प्रभावित कर रहा है, आर्थिक दशा, कक्षा का वातावरण। अब भाई जरा सोचिए कक्षा का वातावरण का अर्थ क्या है। कक्षा का वातावरण सिंपली बस इतना ही कहता है गाइज कि अगर कक्षा में जरा सोचिए टीचर मित्रवत व्यवहार करता है, संप्रेषण है, एक दूसरे से बातचीत करना ओपन है, तो हर अधिगमी पढ़ना चाहेगा। पर कक्षा में जातिवाद है, समाजवाद है, भाईवाद है, भतीजावाद है, तो कोई चाह कर भी नहीं पढ़ पाएगा। गाइस सिंपल कहने का मतलब क्या है कि कक्षा का वातावरण बच्चा खुद नहीं सेट कर सकता, अर्थात यह कैसा कारक है, वाह कारक है। अगला क्या है, शिक्षक का व्यवहार। कई बार आपने देखा होगा गुरु जी का व्यवहार कुछ ऐसा होता है। देखिए गाइस सिंपल सी बात है, अगर गुरु जी का व्यवहार है कि बेटा आओ मुझसे पूछो, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, तो बच्चे में जिज्ञासा धुआंधार है, रुचि है, तत्परता है, ये सब निजी कारक है गाइस, सब फेवर में है। लेकिन जरा सोचिए गाइस, जरा सोचिए आप दिमाग से, अगर शिक्षक का व्यवहार नहीं कहे चुप तुम कुछ नहीं जानते बैठ जाओ, तो अगर पढ़ना भी चाहता है बेचारा बाह्य कारक टीचर का व्यवहार हतोत्साहित कर रहा है, यहाँ टीचर का व्यवहार एक कैसा कारक है, वाह्य कारक है। शिक्षण सामग्री, जरा सोचिए शिक्षण सामग्री का अर्थ क्या है कि भाई शिक्षण सामग्री वही है कि अब कक्षा एक में कंप्यूटर मशीन के रूप में लाए हो, बेचारा थोड़ी समझ पाएगा। अगर शिक्षण सामग्री बच्चे के जीवन से, दैनिक जीवन से प्रयोग में आसान ना हो तो वह पढ़ नहीं पाएगा भले, और उसकी रुचि टूटती चली जाएगी, अर्थात यह कैसा कारक है, वाह्य कारक है। घर का वातावरण, घर वही है, माता पिता अगर अधिगम के महत्व को समझते हैं, बच्चे को बोलने का मौका देते हैं, उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, तो वह पढ़ने में उसका मन लगेगा, उसका निजी कारक भी फेवर में है, बाह्य कारक भी। पर अगर पढ़ने का मन भी है, चुप वहां कोने बैठ जाता मत बोल शांत रह, तो गाइस प्रैक्टिकल एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं होगी। अर्थात गाइस आप क्या देख रहे हैं कि यह पूरा का पूरा सिस्टम, यह पूरा का पूरा लेक्चर वाज बेस्ड ऑन कि लर्निंग क्या है, लर्निंग की विशेषताएं क्या है, लर्निंग को क्या प्रभावित करता है, और लर्निंग और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है। तो गाइस यह रहा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 में अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांत के साथ आएंगे। तो टिल देन आई आरपी विश्वास से गुड बाय टू गाइस, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग चंद्र इंस्टीट्यूट, थैंक यू।